हे गाइस अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए, हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है भारत चांद पर पहुंच गया, जाकिर नाइक का पूरे भारत के नाम संदेश जरूर देखे। यस, इस वीडियो में देखेंगे कि क्या बताया गया है और डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने क्या बोला है चांद के बारे में। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसलिए देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने क्या बोला है। और यार इंडिया पहुंच गया है चांद पे, ये हम इंडियंस के बहुत ज्यादा प्राउड का बात है, चाहे वो किसी भी रिलीजन किसी भी धर्म के हो। और इतने सारे मतलब इंडिया के जो बाहर कंट्री के लोग हैं वो भी अप्रिसिएट कर रहे हैं और बधाई दे रहे हैं। तो ये वीडियो देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने क्या बोला है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक के देखना गाइस। एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनसे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। मंत्री जी नमस्कार, ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. Yes. India is on the moon. Very nice. Sir, respect for this man. I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. Good. Yeah. This is achievement. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। सही कह रहे हैं जी भाई। माइक नंबर एक से अब आपको जाकर करना है कि वीडियो बड़े गौर से सुनिए। मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के दो टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो यह साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के दो टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है, तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के दो टुकड़े हुए क्या नहीं? कुरान की आयत शक्ल कमर की कई हदीस है। हम मानते हैं कि यह मौजदा था जो अल्लाह ने किया, मौजदा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फलकियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्ल कमर कमर के दो टुकड़े हो गए, वापिस हो गए। तो ये फिशर है, तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता इंशाल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े दो हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का दौर। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान मजीद, सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी। और ता कयामत तक। तो ये मेन चमत्कार है, कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको अरबी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का वो कुरान से। आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन ये धरती अर्जी बैजवी शक्ल में है। इंसान पहले समझते थे कि जमीन सपाट है, चपटी है। सबसे पहली बार अगर कोई इंसान ने यह साबित किया कि दुनिया बैजवी है वो ऐसा फ्रांसिस ड्रेक सन 1577 when he sailed around the earth, जब समुंदर पे सफर किए दुनिया के गोल, तो फ्रांसिस डेक ने साबित किया कि दुनिया बैजवी है। कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नाज़ियात में, कुरान नंबर 19 का मतलब क्या होता है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना क्योंकि वो समझ में नहीं आया। चैप्टर 79 आयत नंबर 30 में
वल अर्द बाद जालिका दहाहा, और उसके बाद अल्लाह सुभाना व ताला ने जमीन को फैलाया, बिछोना जैसे दहाहा के एक मानी है फैलाना, और दहाहा की दूसरी मानी आता है अरबी लफ्ज धुया से, जिसके मानी है बैजा, जिसके मानी है अंडा। और हम जानते हैं कि दुनिया गोल है, बैजवी है, और हम ये भी जानते हैं आज कि दुनिया पूरी तरीके से गोल नहीं है, वो ऊपर और नीचे से, फ्रॉम द पोल्स इट इज फ्लैटेंड, ऊपर और नीचे से चपटी है, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में जियोस्फेरिकल इन शेप। और ये लफ्ज जो दहाहा है वो आम अंडे के लिए नहीं है, आम बैजे के लिए नहीं, खुसूसन शुतुरमुर्ग के अंडे के लिए, शुतुरमुर्ग के बैजे के लिए। और जब हम देखते हैं शुतुरमुर्ग का बैजा अंडा इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्थी बैजवी के शक्ल में है, आप सोच सकते हैं 1400 साल पहले इस किताब में लिखा है कि ये जमीन, ये धरती इस जियोस्फेरिकल इन शेप, अर्थी बैजवी शक्ल में है। जी तो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था गाइस, रियली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पहले जो चांद पे गए वो तो एक प्राउड मोमेंट है यार, हम सभी इंडियंस के लिए, ठीक है। और ये बहुत एक अच्छा चीज हुआ है हम कि हम इंडियन गए वहां पे चांद पे, ठीक है। और रही बात डॉक्टर जाकिर नायक सर की बात, जो बहुत से अभी भी ऐसे नॉन मुस्लिम हैं, ठीक है, मैं उनके वीडियोस देखा हूँ और मेरे वीडियो में भी वो कमेंट कर चुके हैं, ठीक है, कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, पहले ही हमारे नबी ने बता दिया था कि यार जो पृथ्वी है वो चपटी नहीं है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम है यही कमेंट करते हैं कि यार उनको क्योंकि मीनिंग पता नहीं है अरबी का, तो यही बोलते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है चपटी है, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक सर ने बताया कि वो चपटी नहीं है, ठीक है। और एक चीज ना आप लोग गौर करना कि